हेलो गाइस, दिस इज समीर और आप देख रहे हैं HVAC एंड इलेक्ट्रिकल चैनल। तो आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इस मैनिफोल्ड गेज के बारे में। तो आज हम जानेंगे इस मैनिफोल्ड गेज को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किन किन जगहों पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस गेज के बारे में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैनिफोल्ड गेज पे दो तरह का गेज लगा हुआ है, जिसमें कि एक ये प्रेशर गेज है और एक ये कंपाउंड गेज है। चलिए बात करते हैं कि हम इसे प्रेशर गेज और इसे कंपाउंड गेज क्यों कहते हैं। ये जो प्रेशर गेज है, इससे आप सिर्फ प्रेशर चेक कर सकते हैं, और इस कंपाउंड गेज से अगर आप किसी यूनिट का वैक्यूम कर रहे हैं तो इसे वैक्यूम भी चेक कर सकते हैं, पर आप इस गेज से वैक्यूम चेक नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी गेज पर देखेंगे तो ये गेज दो कलर का होता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं ये रेड कलर वाला प्रेशर गेज है और ये कंपाउंड गेज है। और इस जगह पे ये जो ब्लू वाला गेज है, इस जगह पे ये -30 तक होता है बैक प्रेशर, जिससे कि आप -30 में इसे वैक्यूम कर सकते हैं, -30 HG तक इसे वैक्यूम करते हैं। अगर हम बात करें इस पाइप की, तो इस ये जो ब्लू पाइप है, इसे हम मैक्सिमम 300 PSIG प्रेशर तक चेक करने के लिए यूज़ करते हैं इस ब्लू पाइप को, ठीक है। और जो ये येलो पाइप है, इसे हम कहते हैं चार्जिंग पाइप, ये हमेशा मिडिल में होता है, ब्लू पाइप इस ब्लू गेज के सामने और ये रेड पाइप इस रेड गेज के सामने। तो इस रेड पाइप का जो मैक्सिमम प्रेशर है वो है 500 PSI। PSI हम कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच को, ठीक है। और आप इस गेज से वैक्यूम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे कि हम किसी भी AC में गैस किस तरह से चार्ज करते हैं। अगर हमें किसी AC में गैस चार्ज करना है, तो इस ब्लू पॉइंट को, इस गेज का, इस पाइप का जो ये ब्लू पॉइंट है, इसे हम यूनिट के सक्शन लाइन या फिर डिस्चार्ज लाइन पे कनेक्ट करेंगे। और जो इस येलो पाइप का जो ये एंड है, इसे हम सिलेंडर में कनेक्ट करेंगे। सब देख रहे हैं, इस ये जो मिडिल का जो पाइप है येलो वाला, इसे हम किसी भी सिलेंडर पे कनेक्ट करेंगे। सिलेंडर में कनेक्ट करने के बाद हमें डायरेक्टली सिलेंडर को ओपन नहीं करना है। जब हम इसे सिलेंडर में कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस पाइप का जो सेकेंड एंड है, इसे हम इस जगह से थोड़ा लूज करेंगे, ताकि जो भी पाइप का जो भी मॉइस्चर है वो इस जगह से बाहर आ जाए। तो AC का जो फ्रियॉन का प्रेशर है, इसके प्रेशर से इस जगह से थोड़ा फ्रियॉन बाहर आएगा, जिससे कि जो पाइप में जो भी इस पाइप में जो मॉइस्चर होगा वो इस जगह से पर्ज आउट होकर बाहर आ जाएगा। फिर दोबारा से हम इसे टाइट कर लेंगे। और इस येलो पाइप को सिलेंडर में कनेक्ट करने के बाद सेम तरह से इस दूसरे एंड को ओपन करेंगे, और ओपन करके इस जगह से पर्ज आउट करेंगे, ताकि इस पाइप की जो भी मॉइस्चर है वो इस पाइप से बाहर आ जाए। अगर आप पर्ज आउट नहीं करते हैं तो ये आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर आप जो यूनिट का प्रेशर चेक कर रहे हैं उसका प्रेशर अगर 300 PSIG से ज़्यादा है और 500 PSIG तक है, तो हम इस रेड गेज को यूज़ करेंगे इस रेड पाइप के द्वारा। जब हम इस गेज को यूज़ कर रहे हो और 300 प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर चेक कर रहे हो, तो हम इस ब्लू पाइप को यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा हम इस रेड पाइप को ही यूज़ करेंगे। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पाइप का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम 300 PSIG तक का ही है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हम किसी सिस्टम का वैक्यूम कर रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। किसी भी सिस्टम में वैक्यूम करने के लिए आप इस रेड गेज को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस रेड गेज में वैक्यूम करने के लिए इस जगह पे ये मार्क नहीं है। इसमें वैक्यूम के लिए अलग से डिज़ाइन किया गया है, इस रेड गेज से आप वैक्यूम नहीं कर सकते। वैक्यूम करने के लिए सेम तरह से इस ब्लू पाइप का जो ये एंड है, इसे हम यूनिट पे कनेक्ट करेंगे, और इस येलो पाइप का जो ये एंड है, इसे हम वैक्यूम मशीन में कनेक्ट करेंगे। वैक्यूम मशीन में कनेक्ट करने के बाद जो भी AC का आप वैक्यूम कर रहे हैं उसके सर्विस वाल्व को फुल्ली ओपन कर लें, दोनों सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व, दोनों में जो सर्विस वाल्व लगा होता है उसे फुल्ली ओपन कर लेंगे और वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे, जिससे कि आपके पूरे यूनिट का जो भी प्रेशर है वो AC से बाहर आ जाए।
इस तरह से आप इसे किसी भी यूनिट का वैक्यूम कर सकते हैं। तो ये था इस गेज का प्रोसीजर कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी एसी पे फ्रीऑन चार्ज कर रहे हैं तो इस पाइप को, ब्लू पाइप को एसी पे कनेक्ट करें और इस येलो पाइप को सिलेंडर पे कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद आप पर्ज आउट करेंगे और पर्ज आउट करने के बाद ही आप अपने सिलेंडर का जो वाल्व है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस वाल्व को आप जब लूज करेंगे तो फ्रीऑन आपके एसी में ट्रांसफ़र होगा। कभी भी फ्रीऑन चार्ज करते समय इसे फुल्ली ओपन नहीं करें, स्लो ओपन करें और धीरे धीरे ही अपने एसी में फ्रीऑन का प्रेशर डालें, ताकि एक साथ अगर आप जब ज़्यादा फ्रीऑन अपने एसी में डालेंगे तो उसमें लोड क्रिएट होगा, जिस वजह से आप कभी भी फ्रीऑन स्लोली स्लोली ही चार्ज करें। तो ये है आपके एसी में फ्रीऑन चार्ज करने का तरीका। कभी भी अगर आप एसी में फ्रीऑन चार्ज कर रहे हैं तो ये जो पाइप है इसमें एक पिन होता है, ये पिन, तो कभी भी एसी में आप पाइप का इस साइड का ही जो वाल्व है इसे ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो दूसरा एंड है इसमें इस तरह का पिन नहीं दिया जाता है, ये ब्लैंक होता है, इसमें कोई पिन नहीं होता है। इसलिए अगर आप इस पाइप को इस साइड से कनेक्ट करते हैं किसी भी एसी में तो ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो पाइप का ये एंड है हमेशा हम इसे ही एसी में कनेक्ट करेंगे, ताकि आपका जो भी एसी का प्रेशर है या नहीं है वो आपको इस गेज पे दिखा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिन दिया गया है, जो कि ये पिन आपके एसी में सर्विस वाल्व में एक पिन होता है, जिसे ये प्रेस करेगा तो ही आपके एसी का प्रेशर जो भी है वो इस गेज पे शो करेगा। तो ये था प्रॉपर तरीका कि आप किस तरह से फ्रीऑन चार्ज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कंप्रेसर के कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।